को एसी बनता था और बहुत परेशान था मैं, कम से कम 2 साल से परेशान हूँ। कल मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी के 2 घंटे बाद मैंने लिक्विड लिया, खाना खाया, जिसके बाद मैं थोड़ा घूमा फिरा, इसके बाद में शाम को मैंने खाना खाया, अभी भी मैं नाश्ता वगैरह किया है, मैं चला फिरा हूँ। मेरी सर्जरी को 8 महीने हुए हैं और मैं मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा हूँ और अच्छे से खा पी रहा हूँ और मेरी लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ, काम काज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइस, मैं हिम्मत यादव एमपी से आया हूँ, सीहोर जिले से। मैं इस परेशानी से, मेरे को एसी बनता था और बहुत परेशान था मैं, कम से कम 2 साल से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, एसी का गैस बहुत बनता था, इस कारण से बहुत परेशान था। मैंने नेट पे देखा, यूट्यूब चैनल पे, कि चिराग ठक्कर जी का इलाज बहुत सक्सेस है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को पता चला चिराग ठक्कर जी से मिलना है और मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने देखा यहाँ पे सर से बात की, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छी राय देते हैं। फिर उन्होंने जांच का बोला, एक मेनोमेट्रिक जांच हुई और एक पीएच जांच हुई 24 घंटे वाली, जिसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। थोड़ा सा दर्द होता है, हालांकि वो गले में थोड़ा सा अटका हुआ रहता है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैंने 7 दिन से कुछ टैबलेट वगैरह नहीं ली, थोड़ी सी परेशानी है, एसिडिटी वगैरह बनी है, अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, जिसके बाद में पता चलेगा कि क्या बोलते हैं। हाय गाइस, मैं हिम्मत यादव जिला सीहोर एमपी से आया था। मैं परसों के दिन यहाँ पे आया था, मेरे को एसिडिटी, हाइटिस हर्निया और एसिड रिफ्लक्स की बहुत शिकायत थी, 2 साल से परेशान था, जिसके बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया था, एंडोस्कोपी करवाई थी, उसमें हाइटिस हर्निया बताया था। 2 साल से मैं टेबलेट ले रहा था, कोई आराम नहीं हो रहा था, तो मैंने एक दिन यूट्यूब पर देखा चिराग ठक्कर जी को, तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर उन्होंने नैनोमेट्रिक पीएचडी एसटीडी की जांच की, वो जांच में बताया गया कि मेरे एसिड ज़्यादा आ रहा था, तो सर्जरी का सॉल्यूशन दिया सर ने। मेरी सर्जरी हुई कल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पहले मैं डरता था, कोई डरने की दिक्कत ही नहीं आई बिल्कुल भी। शाम 2 घंटे बाद, सर्जरी के 2 घंटे बाद मैंने ये लिया, खाना भी लिया और जिसके बाद में थोड़ा लिक्विड वगैरह लिया और शाम को भी खाना खाया, सुबह भी मैंने नाश्ता किया, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं, चला फिरा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं चाहिए। जिसको भी ये दिक्कत आ रही हो, वो चिराग ठक्कर जी से मिले, बिल्कुल यहाँ पे सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे स्टाफ है, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब है, सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मेरी अब कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरा परसों के दिन ऑपरेशन हुआ है, 2 दिन पहले, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने खाना पीना भी खाया, कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं है, और आज मेरी छुट्टी हो रही है, मैं घर पे जा रहा हूँ। मैंने पहले बताया था कि मेरी 8 महीने पहले सर्जरी हुई थी और मैं अब डॉक्टर साहब को फॉलो के लिए, चेकअप के लिए दिखाने आया हूँ। मुझे बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने में जो कोई परेशानी नहीं, पहले मेरे को बहुत, ऑपरेशन से पहले मेरे को बहुत परेशानी थी, खाने पीने में दिक्कत थी, एसिडिटी बहुत बन रही थी, लेकिन जब से मैंने सर्जरी कराई तब से मेरे को बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो टेबलेट वगैरह चल रही थी वो सब बंद हो चुकी है और मैं मेरा जो खेती बाड़ी का काम है वो भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है,